करते हैं खास आपके लिए हैरान करके रख देने वाले करतब और कलाबाजियां। तमाशा बहुत बढ़िया जा रहा है ना भी? हाँ, जग्गू और राजू बिना किसी हिचक करतब कर पा रहे हैं। हाँ? अरे वो तो कालिया है ना? हाँ, उस साइकिल पर तो जग्गू और राजू अपना अगला करतब दिखाने वाले थे ना? ये कालिया न जाने कब सुधरेगा। वो दोनों चूहे अब साइकिल चलाकर लोगों की वाहवाही लूटना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हट बाजू डेढ़ फुटिया राजू। माँ, वो तो छोटा भीम है। कैसी दिख रही है? बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या बात है? ये क्या हालत बना रखी है? हमारी छोड़ो, अपनी हालत देखो। उस्ताद, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। जल्दी, अंदर कोई नहीं है। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलक फुड़का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा, क्या? मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। मक्खी चूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। Oh!
कुछ तोड़ दिया, हमारी दिवाली बिगाड़ दी। अब क्या खाएंगे? एक भी लड्डू नहीं बचा। मेरे होते हुए लड्डू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आ जाओ सब लड्डू खाने। चलो चले चले चले। भीम, हमें तो लगा कि दिवाली बिगड़ गई। हमारे होते हुए दिवाली कोई नहीं बिगाड़ सकता। कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ की दुकानें कितनी सुंदर हैं। इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े और जूते। बहुत सुंदर है ये लहंगा, है ना? हाँ। इसे पहन कर देखना चाहोगी? अगर ये तुम पर ठीक बैठता है तो ये लहंगा मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। सच? हाँ बेटी बिल्कुल, ये लो पहन के देख लो। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। है? मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, हम सबको इस राजा से बचाने वाली आ गई। वाह ऊपर वाले शुक्र। बचाने वाली मैं? देखो भाइयों देखो, हमें आजाद करवाने वाली आ गई है, देखो। आ गई राजकुमारी जी, आ गई। इतने महीनों से हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भीम, हमें तो हमारी मनपसंद टोपियाँ मिल गई। बढ़िया राजू, चलो चलते हैं। कि जिस लड़की पर भी ये लहंगा ठीक बैठेगा, सिर्फ वही उस दुष्ट राजा को छड़ी का इस्तेमाल करके हरा सकती है, और वो छड़ी इस समय उस दुष्ट राजा के पास है। अरे देखो राजकुमारी जी, क्या हो रहा है यहाँ? हटो यहाँ से। अरे पकड़ो, पकड़ो उस बच्ची को और उसके दोस्तों को भी पकड़ो। बोलू, अब तो हम दिवाली भी नहीं मना सकते और उस्ताद के साथ तस्वीर भी नहीं ले सकते। ऐसे रो मत भोलू भोलू, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तैयार, एक दो तीन। लगता है वो छड़ी इसी तरफ है, क्योंकि यहाँ इतने सारे सिपाही सिर्फ एक ही दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं। चुटकी, तो ये था तुम्हारा प्लान? हाँ? मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति मुझे उस दरवाजे की तरफ खींच रही है। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। देखते हैं कागराज की कौन किसे हराता है। चुटकी, तुमने आज बहुत साहस दिखाया, तुम्हारी वजह से इस गांव के लोग आजाद हो गए। शुक्रिया भीम। शुक्रिया बच्चों, आज तुम्हारी वजह से हम सब आजाद हो गए। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए दिवाली का तोहफा। ये हमारे लिए है। मुझे कृपया थोड़े लड्डू देंगी? आप ढोलकपुर में नए हो? पहले कभी नहीं देखा। मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं, बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में?
कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा। ढोलकपुर वासियों, आज आपके सामने आ रहे हैं दुनिया भर में मशहूर महान जादूगर बाजीचा। हाथ घुमाकर कुछ भी सामने ले आऊं। आज ढोलकपुर के लिए मैं एक खास खेल लाया हूँ। मांडू, मुझे एक व्यक्ति की मदद चाहिए, आप में से कौन आ सकता है? आ? आ? महाराज, अगर आप आए तो मेरे लिए ये एक बड़े गर्व की बात होगी। मैं? जरूर, क्यों नहीं। आराम से बैठिए। मेरी माया की शक्ति आओ, महाराज को कुल कर जाओ। धन्यवाद। और अब सही जादू शुरू होगा। मुझे ढोलकपुर का राजा बनाओ, तब भी मैं राजा इंद्रवर्मा को वापस लाऊंगा। पिताजी, बाजी चाल, तुम्हारे जादू का धोखा ढोलकपुर में नहीं चलेगा। हाँ, गायब हो गया। अब पिताजी को कैसे ढूंढेंगे? महाराज यहाँ से नीचे गिरे होंगे, ये कोई जादू नहीं है। महाराज कहीं पास ही कैद होंगे। संभल के दोस्तों। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। आ जाओ सब लोग। ये क्या हो रहा है? भीम, अब हम क्या करें? देखो, गुफा ढह रही है। मेरे पीछे आओ दोस्तों। उदास मत हो, तुम्हारे नए महाराज आ गए हैं। तुम कभी भी ढोलकपुर के राजा नहीं बन सकते। भीम अभी पिताजी को लेके आ जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है धोखेबाज कहीं के? भीम, मांडू, तुमने तो उसे बांध के समंदर में फेंक दिया था ना? तुम्हें ऐसा लगा था, पर दरअसल ये हमारी ही योजना थी। मांडू ने हमें पकड़ तो लिया और हम भी चुपचाप बक्से में बैठ गए, पर अंदर बक्सा तोड़ के निकल गए। बक्से में पत्थर भर दिए। और हम पहुंच गए यहाँ तक। महाराज मिल गए। भीम, तुमने जहाँ सोचा था वही थे, कोठरी में। इस बार लगता है तुम्हारी चाल चली नहीं बाजी चाल। भीम, तुम मांडू को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। भीम, तुमने एक बार फिर से ढोलकपुर की रक्षा की है। हाँ महाराज, थोड़े से जादू की मदद से। जादू? कैसा जादू? लड्डू का जादू। वाह! ये सब क्या वो अकेला खाएगा? इतने सारे फल, इतना तो उस्ताद भी नहीं खा सकते। दोनों बोलो, अब बंद नहीं किया तो इच्छा को नहीं, तुम्हें फेंकूंगा इस गांव से बाहर। आज क्या हो गया, इतनी गर्मी।
तरह तरह की मैगजीन, चटपट खबरें। ला भाई, एक मैगजीन ही दे दे, आज तो समय काटना मुश्किल हो रहा है। वो ये वाली, कुछ समय भी कट जाएगा और गर्मी में हवा करने के काम भी आ जाएगी। मुझे भी जमाने के साथ चलना चाहिए, थोड़ा तो फैशन मुझे भी करना चाहिए। देख रहा है। हाँ? रुक रुक, अभी बताती हूँ। ये बाल आंखों में क्यों आ रहे हैं? कोई है? बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने? ये गहने मुझे मेरी परदादी ने उपहार में दिए थे। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। तुम्हारे भी दिखाओ। बहुत सुंदर हैं। हाँ, पर तुम्हारे गहने भी बहुत सुंदर हैं। कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ। चलो जल्दी से भीम को बताते। चलो जल्दी। जाल? कैसा जाल? कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी, हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। सही तरकीब है भी। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। ठीक है। लगता है वो आस पास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। कोई बात नहीं, आज तुम जीते, पर कल मैं आकर असली सोना चुरा ले जाऊं। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। आई 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 आ
सब कुछ तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे, चोर चोर पकड़ो मेरे पैसे ले गए चोर। मिशन पानी शुरू करो। ये क्या हो रहा है? मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। काश मेरे पास भी उतना सोना हो। क्यों उस्ताद, आप फिर से साड़ी और सोना पहनकर घूमना चाहते हो? ऊंची एडी के सैंडल जो ऊंची जगह से सामान उठाने में काम आते हैं। मौसी जल्दी उठो, मैं तो टूथपेस्ट की ट्यूब की तरह पिचका जा रहा हूँ। लाओ हम वजन कुछ हल्का करवा दे। अच्छा टाटा। मैं जब तीन गिनू सब मिलकर जोर लगाओ। एक दो तुम दोनों, आजकल चोरी का नहीं मेहनत ईमानदारी का फैशन है। हाँ ये! टुनटुन मौसी, ओ टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी, ओ टुनटुन मौसी, आज बात करने की फुर्सत नहीं है भाई, बहुत काम है। ऐसा संदेश लाया हूँ कि सुनोगी तो और सब काम भूल जाओगी। पास के गांव के सेठ के घर बहुत बड़ा उत्सव है, लड्डू तुम्ही से बनवाएंगे, बस जाकर मिल लो। ए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं अभी जाती हूँ। बाकी काम अब कल ही करेंगे चुटकी, तू जाकर खेल। और हाँ, सब बच्चे लड्डू अपने दोस्तों में बांटने को ले जा। ये! इतने सारे लड्डू, आज तो ज्यादा खाऊंगा। भीम, भीम! जग्गू क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को, कोई खतरा तो नहीं? हाँ यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने, मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम, मोटा शरीर मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम, वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले अभी तुझे दिखाता हूँ। बोलो बोलो
राजू डरपोक ढोलू भोलू हैं, मैं नहीं, तुम सब देखना आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। ये क्या? कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। कौन है? उस्ताद, उस्ताद। भीम, भीम। वो पेड़ का भूत। मैं भूत नहीं हूँ कालिया, मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। हाँ? लेकिन बेताल तुम्हें कालिया कैसे मिला? उस जंगल के पेड़ पर। मुझे कोई चिपकू बेताल बेताल नहीं चाहिए। लेकिन बेताल तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले। मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कल रात कालिया आया और मुझे खाना खिलाया और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया। भीम कुछ करो। भीम, इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है, वही ये ताला खोल सकता है। चलो भीम जल्दी चलो। बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? भीम, तुम फिर? मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। दोस्तों, रुको भीम। अलविदा। बाय बेताल, टाटा दोस्त। कितना बढ़िया है करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी।